नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, इंडियन मार्केट में गाड़ियां बेचने वाली ज्यादातर कंपनियां बाहर की हैं, यानी फॉरेन ब्रांड्स हैं, और ये सभी अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से काफी सालों से इंडियंस के दिलों पर राज करती आ रही हैं। इन्हीं कार मेकर्स में से एक नाम टोयोटा का भी आता है, जिसकी गाड़ियां अलग ही लेवल की मानी जाती हैं। मानी क्या जाती हैं, ये हैं भी। इनकी दो बड़ी गाड़ियां इनोवा और फॉर्च्यूनर जब से मार्केट में लॉन्च हुई हैं, तब से लेकर अब तक ये दोनों अपने सेगमेंट की किंग रही हैं। कोई इन्हें टक्कर देने वाला अभी तक नहीं आ पाया है। इसका रीजन है कि ये दोनों ही हर मामलों में बेहतरीन है। हालांकि थोड़ा सा ओवरप्राइज्ड हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं। और आज आप इन्हीं में से एक का एक्सीडेंट देखेंगे, जो बताता है बाकी चीजों के साथ साथ इनमें दम कितना है। ये गुजरात से मिस्टर प्रिंस जोशी और डॉक्टर प्रतीक जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले गुजरात के कच्छ में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के टाइम क्रिस्टा से कुछ लोग मांडवी भुज हाईवे से होते हुए जा रहे थे, तभी एक कर्व पर ओवरटेक करते समय उनकी गाड़ी सामने खड़े ट्रक में घुस गई। यहाँ पर इनोवा की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, गाड़ी 80-90 के आसपास थी। हालांकि ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उन्हें लगा ट्रक चल रही है, लेकिन टायर पंक्चर हो जाने की वजह से ट्रक को रोड के साइड में पार्क कर दिया गया था। खैर, टक्कर जबरदस्त हुआ, जिसके बाद इनोवा का आगे वाला हिस्सा ट्रक के अंदर घुस गया और इसका बोनेट, बम्पर, ग्रिल वगैरह डैमेज हो गया। हालांकि इम्पैक्ट दूर तक नहीं गया, पीछे वाला हिस्सा पूरा सेफ है और टाइमली इसके एयरबैग्स भी ओपन हो गए थे, जिस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर्स भी पूरी तरह सेफ हैं। तो भाई, इनोवा ने यहाँ पर दिखाया है कि और चीज़ों के साथ साथ उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी रखी गई है, और उम्मीद करते हैं हाई क्रॉस को भी टोयोटा ने मजबूत ही बनाया होगा। बाकी जहां तक बात है एक्सीडेंट की, तो ट्रक ड्राइवर को गाड़ी के पहले कोई ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिससे पीछे से आने वाले लोगों को पता चल सके कि ये पार्क है और वो कन्फ्यूज ना हो। इसके अलावा आप भी कार चलाते समय थोड़ा फोकस्ड रहें और सामने की चीज़ों पर कायदे से ध्यान दें, और हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करें।